ये जज्बात भरी आग, दिल चाहता है मुआशरे को लग जाए, हर सीना जल उठे, हर तन में आग लग जाए, हर जवान उठ खड़ा हो और हर एक के अंदर इस शऊर की बेदारी हो जाए। अगला लफ्ज क्या है, कुरान ने बता दिया है, सभा में हो वीरान हो गए वह बेजाउन, ईसाइयों के ईरान हो गए वह सलावात, यहूदियों के वीरान हो गए। चौथा लफ्ज कुरान ने बयान कर दिया है वह मसाजिद, मुसलमानों अगर जिहाद के लिए नहीं उठो गए और दीन मुस्तहवी की सरबरंदी के लिए इनकलाब पपा नहीं करोगे, फासिकों से जंग नहीं करोगे, जालिमों से जंग नहीं करोगे, जानियों से जंग नहीं करोगे, शराबियों से जंग नहीं करोगे, दीन दुश्मन ताकतों से जंग नहीं करोगे, बेदीनी के निजाम से जंग नहीं करोगे, फहाशी से जंग नहीं करोगे, उरियानी से जंग नहीं करोगे, कुफ्र ताहूत के निजाम से जंग नहीं करोगे। तो याद रखो, जो कुछ यहूदियों के साथ बीता, ईसाइयों के साथ बीता, राहिबों के साथ बीता, इंतजार करो वो कुछ तुम्हारे साथ और तुम्हारी मस्जिदों के साथ भी बीते। हाय हाय हाय, उलमा कहाँ हैं, हमारे मुआशरे के पीराने काम कहाँ है, मशायख कहाँ हैं, बैत के सिलसिले रखने वाले कहाँ हैं, गदिया कहाँ हैं, फकीरों कहाँ हो, मुअज्जज पीराने कराम कहाँ हो, मदरसे चलाने वालों कहाँ हो, मस्जिदों के इमाम कहाँ हैं, रूहों की आवाज कुरान की पुकार रूहों के कान से सुन लो, ये गदियां सलामत नहीं रहेंगी, पीर खाने सलामत नहीं रहेंगे। मैं तो दर्द है जो सुना रहा हूं, दर्द है जो आप तक पहुंचा रहा हूं, ये बैत के सिलसिले सलामत नहीं रहेंगे। सिर्फ दो नस्लों की बात है, आज अगर ताहिरुल कादरी की बात किसी की समझ में नहीं आ रही तो शायद ना आए, अरे 20-25 साल की बात है, बैतें खत्म हो जाएंगी, सिलसिले खत्म हो जाएंगे, खानकाहें खत्म हो जाएंगी, मरकज खत्म हो जाएंगे, वीरानियां होंगी। क्यों? अगर ये सब लोग मुस्तफा के निजाम के लिए खड़े ना हुए। तो माँ बाप जो तहज्जुद नहीं छोड़ते, जिनके घर सुबह की तिलावत कुरान मिस नहीं होती, जिनके यहां मुसल्ले और तख्तपोश बिछाए जाते हैं, और सुबह उठकर जो जईद माँ बाप कुरान की तिलावत करते हैं जिस घर में कुरान का नगमा अदा पा जाता है, आज उन माँ बाप के जीते जीते उनकी जवान औलादों का क्या हाल है। माँ बाप को जुर्रत कि वो जवान बेटे को बिस्तर से उठाकर नमाज के लिए खड़ा कर सको, स्कूल जाने के लिए उठाएंगे, कॉलेज भेजने के लिए उठाएंगे, मगर अल्लाह के हुजूर सजदा रेस करने के लिए नहीं उठाएंगे। फहाशी का हमला हो गया हमारी जिंदगियों पर, उरियानी का हमला हो गया, बद अखलाकी का हमला हो गया, दीन से दूरी का हमला हो गया, हम किधर जा रहे हैं? हमारी औलादों के साथ इस वक्त क्या बीत चुका, हमारे होते क्या बीत रहा है, और जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे और ये बच्चे जवान होंगे फिर इनका हाल क्या होगा, और फिर इनकी औलादें जो इनकी जेर तरबियत परवरिश पाएंगी उनका हाल क्या होगा। बस 25 बरस के इंतजार की देर है, ये दियार इस्लाम खुदा न करे दियार कुफ्र नजर आए। इस्लाम आज 56 देश है इस्लाम के अपने 56 मुल्क हैं, और इस्लाम अपने देश में परदेसी हो गया है, इस्लाम अपने देश में परदेसी हो गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, आका वो दीन बड़ी धूम से निकला था वतन से, परदेश में आकर गरीबुल गुरबा है, ए खासा खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी वक्त अजब आन पड़ा है, आका इस उम्मत पे बड़ा कड़ा वक्त आ गया है, आज दीन की तरजीह नहीं रही, इसके सिवा हर शय की अहमियत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए ये कौम न उठी, चंद साल के बाद इस मुल्क के स्कूलों में सेक्स की तालीम का मजमून शामिल किया जाएगा।